दोस्तों, स्पीडर मैच जो कवर करने वाले वुमेन्स ओडीआई सीरीज जो कि स्टार्ट हुआ है, ये ना एक इंटरनेशनल सीरीज है। आप इसे हल्के में ना लेने की कोशिश, कोई ओडीआई सीरीज नहीं है, ओडीआई फॉर्मेट है, यानी कि इंटरनेशनल मैच है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। पहला मैच है पीएनजी और यूएसए वुमेन्स के बीच मैच खेला जा रहा है, जो कि मुझे सही लग रहा है क्योंकि रिसेंटली हमने पीएनजी वुमेन्स के काफी सारे मैचेस कवर किए और यूएसए की तो बात ही खत्म करो, उनके तो अंडर 19 तक मैंने कवर कर रखे। तो सबसे पहला काम कीजिए, 3 घंटे सिर्फ हमारे पास समय, सिर्फ 3 घंटे और ज़्यादा टाइम नहीं मैच स्टार्ट हुए। तो आप सबसे पहले काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर, वो भी एकदम फ्री। आपको एक सिंगल पैसा होता है ना, उसको भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जैसे टीम में देता फैंटेसी फील्ड में ना, वुमेन्स की कोई नहीं देता है, इतना याद रख लेना। और टेलीग्राम चैनल फ्री है मेरा, मैं आपसे कभी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करें, लिंक 100% काम करता है। 34,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे, तो देर ना करें, आप कमेंट बॉक्स के लिंक से जल्दी से ज्वाइन कर, जितना जल्दी ज्वाइन करो आप ही का फायदा है, मेरे से कोई फायदा नहीं। तो टेलीएम से जूस से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इधर तो भटकोगे, लेकिन कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीएम से जूस से ज्वाइन कर लेना। और फाइनल टीम भी आपको सबसे पहले शेयर कर देंगे। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करना चाहूँगा, फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं, ये बहुत कम समय है ना, इसलिए ये जो मैच है अपने इंडिया टाइम हिसाब से 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैच कहाँ पर खेला जाए, यूएई में खेला जा रहा है मैचेस, दुबई में खेला जा रहा है, ठीक है, ये मैचेस ध्यान रखिएगा, दुबई में मैचेस खेला। और ये वही विकेट है आईसीसी एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड, हाँ वही है, वही विकेट है जहाँ पे मतलब दुबई का, वही वही दुबई का विकेट है जो बहुत बड़ा विकेट, इस विकेट पे काफी रिटर्न मिलता है, मोमेंट काफी इस विकेट में मिल जाता है, वही विकेट है जिसे हमने रिसेंटली हमने कवर भी किया था। पिच रिपोर्ट, ये जो विकेट है बैलेंस विकेट है, वही पिच है यार दुबई का विकेट, थोड़ा सा ये आप स्पिनर्स को टर्न मिलता है, ध्यान रखिएगा। पेसर्स को आप लिख रखा है, पेसर्स को भी सपोर्ट मिलता है कि स्पिनर्स का ज्यादा बोल वाला है, मैंने खुद देख रखा हो, और विकेट बड़ा है, ये बैटिंग फ्रेंडली तो कहीं से भी नहीं रहता है, ठीक है, इतना याद रखना। और चेज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पिच उतना बैटिंग फ्रेंडली नहीं रहता है, इतना बैटिंग स्कोर नहीं बनता इस विकेट पे। वेदर रिपोर्ट की हम बात करें तो दुबई का वेदर वैसे तो क्लियर है, 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं दुबई का विकेट, दुबई में तो 29 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ठंडा वही है अपनी, यार मुझे दिखाता है 38 डिग्री, 29 डिग्री दिखा रहा है यार, छोड़ो उस चीज। सबसे पहले पीएनजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंडियन लाइन देखोगे जो कि रिसेंटली मैंने कवर भी किया था, ब्रेंडन टाओ टीम दस काफी अच्छी थी, ब्रेंडन टाओ टीम दस कैप्टनसी करेंगे टीम दस से, और विकेट कीपिंग भी ना करती थी अच्छी प्लेयर टीम दस से, बॉलिंग तो नहीं करती लेकिन विकेट कीपिंग करती थी रिसेंटली काफी जबरदस्त प्लेयर टीम दस कैप्टनसी करे, लेकिन फॉर्म एक एवरेज ही है, ज्यादा बड़ी शॉट्स नहीं खेल पा रही थी, लेकिन टीम दस से ओपनिंग नहीं तो वरना बैटिंग करी, इससे नीचे बैटिंग नहीं कर रही थी। और टीम से टॉप ऑर्डर प्लेयर केवे फेरिंग से ओपन करेगी, तनया रोमा जो कि रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में चले थे, 44 रन मारी थी, 40 रन मारी थी, काफी जबरदस्त प्लेयर टीम दस से, काफी अच्छी प्लेयर है, इसलिए बोलता हूँ आप रेगुलर खेलोगे तो ही आपको मतलब स्किल रहेगी और नॉलेज रहेगी। खुद से देखो, अगर मैं रेगुलर नहीं खेलता तो मुझे इस प्लेयर का स्टार्ट निकालना पड़ रहा था, बट नाम सुनते याद है तनया, टीम से रिसेंटली मैंने कवर भी किया था, काफी अच्छी फॉर्म में चल रही थी। उसके अलावा पैकेज शेके भी अवेलेबल है, नॉर्म नाउ उसके अलावा देखो नॉर्म वेरी भी अवेलेबल है, शिवरा जीवन जो टीम दस कन्फर्म भी ओपनिंग भी कर रही थी, और साथ ही साथ टीम दस से यार जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी, T20 सीरीज के लिए तो उसमें भी फॉर्म में थी, वनडे के लिए तो उसमें भी फॉर्म में थी, और कैप्टन करने में कोई दिक्कत नहीं। जिम्बाब्वे से जो सीरीज नहीं चल रहा था अभी, मैंने कवर भी किया था, उसमें जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी ना, उसके अलावा टीम दस देखोगे हेनाओ थोमा जो कि अच्छी बॉलिंग कर रही थी, उसके अलावा दिक्का लोहिया अवेलेबल टीम दस से, ईशा बेल अवेलेबल, विक्की आरा जो कि जबरदस्त फॉर्म में हर मैच 3-3 विकेट लेके जा रही थी, हर मैच में 3-3 विकेट, जबकि सामने जिम्बाब्वे की टीम थी फिर भी मैरियन मुसंडो का भी विकेट ले लेती थी, बताओ। उसके अलावा देखोगे एक और भी की है का विकेट, जो टीम उतना कुछ खास बॉलिंग तो नहीं करे बट एक विकेट ले लेती थी हर मैच। तो पीएनजी लाइन मुझे काफी परफेक्ट लड़ा है, इनके पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्म जैसे कि यहाँ पे तनया रुमा काफी इन्फॉर्म है, जिमी काफी इन्फॉर्म है, विकियारा काफी इन्फॉर्म है, थॉमस भी अच्छी है, तो कुछ इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं इनके पास जो कि अभी फॉर्म में चल रहे हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए की टीम तो मैं काफी दिन बाद मैच कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले कवर कर रखे है, हेड टू हेड में इनके मैचेस मैंने कवर कर रखे, अंडर 19 तक मैंने कवर कर रखे इनके। तो इस टीम के तरफ से इस बार कैप्टनसी करे सिंधु श्रीवास्तव जो कि टीम से कैप्टनसी करेगी, अनिका कोलिन में अवेलेबल है, दिशा डिंगराव जो कि वनडे बैटिंग करेगी, उसके अलावा गार्गी वोगली अवेलेबल टीम से, पूजा शाह अवेलेबल है, जैशिका अवेलेबल है, रितु सिंह अवेलेबल है, ईशानी अवेलेबल है, आदित्य अवेलेबल है, सुहानी अवेलेबल है, उसके अलावा देखो जीवन है और अवेलेबल है, तो काफी लाइनअप ठीक है इनका, मुझे उतना परफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है इनके पास कुछ बड़े प्लेयर्स भी है जैसे सिंधु अच्छी है, अनिका भी ठीक है, उसके अलावा देखोगे पूजा शाह ठीक उतना कुछ है, रितु सिंह अच्छी है, आदित्य भी ठीक है, क्या नाम है आदित्य चौधरी, ओके। देखो विनिंग टीम की बात करें तो किसके जीतने चांस, यूएस के थोड़े से ज्यादा आपको लग रहे हैं, लेकिन पीएनजी भी अच्छी फाइट देगी भाई। उसके लिए स्मॉल टीम है विकी एरा, जिमनी और जीवनसन आरस, और साथ ही साथ वोगली, आप इनको जो से कवर कर चलेगा। पहली टीम है आप दीका लोहिया को, उसके अलावा नियोनी बैरे को, पूजा शाह को,
यशिका को, इन सबको क्रेडिट ट्राई करना। मैं इन सब ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, अपनी प्लेइंग में देखते हैं और फटाफट से टीम क्रिएट करते हैं। बाकी फाइनल टीम के लिए टेली हम चाहे दूसरे ज्वाइन के लिए 34,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रखे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट बॉक्स से जाओ, लिंक पिन कर रखा है उस पर क्लिक करके ज्वाइन को, सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स से जाओ, लिंक पिन कर रखा, उस पर क्लिक ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देंगे, तो जोर से ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है ना, इम्पोर्टेंट 1 सेकेंड, हाँ 3 घंटे बचे हुए। इसके बाद देखोगे तो रात को ही सीधा मैच है, और कल से SSC मेंस T20 स्टार्ट, उसके लिए जो सेक्टर मतलब कि एक्टिव रहना। वैसे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक छोटा सा लाइक का बटन होगा, प्लीज उसे लाइक कर दीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन छोटा सा मिल जाता है अच्छे टीम क्रिएट करने में और ज्यादा मैचेस कवर करने में। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, चाहे सबसे जरूर से कर लेना, जिससे आपका फायदा होगा। वही कल से ACC मेंस T20 स्टार्ट हो, जो कि कोई कवर नहीं करेगा लेकिन मैं कवर करूंगा, तो आप लोग सबसे जरूर से करके बेल को ऑन के ऑल पर सेट करके उसके में उसमें गिव अवे भी करेंगे। तो देखो सिंधु अच्छा ऑप्शन है टीम 10 पहली बार, तो कैप्टनसी इस बार मिला है एक अच्छा ऑप्शन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केप फेरेंक और बीता हुआ अच्छा नहीं है। बीता आउट टीम 10 कैप्टनसी करे, वो विकेट कीपिंग करेगी और ओपनिंग करती है टीम 10। बीता आउट अच्छी प्लेयर टीम 10, तो अगर सेकंड विकेट कीपर लेना पड़ा तो अब बीता के जो से जाना, हालांकि फॉर्म एक एवरेज ही चल रहा है, कुछ खास तो नहीं लेकिन एवरेज चल रहा है, तो ऐसे में बोल नहीं सकते इनके बारे में ज्यादा कुछ, क्योंकि चलेगी। हालांकि 10-11 रन आराम से स्कोर कर देती है, मैं एक चीज देख रखा हूँ, तो उतना कम से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए साइड रखता हूँ। और विकेट कीपिंग उतना अच्छी नहीं कर रही है, इसलिए अभी के लिए सिंधु के साथ जाते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है टीम 10 से। कैप्टनसी कर रही है सबसे बड़ी बात, और ये भी कैप्टनसी कर रही है डालने की अभी तो। उसके अलावा वोगले काफी देखो टीम 10 से तो इन्फॉर्म प्लेयर कही जाती है, ठीक है। मैं देखूंगा अपने नीचे से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि नीचे काफी, जैसे तनया रूमा जो कि रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में चली थी, अगर आप उनको ड्रॉप कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इनको कवर कर, जो टीम 10 से 20% सिलेक्शन है, लेकिन फोन है बैटिंग करती है जनरली और काफी इनफॉर्म रहती है, काफी टच में रहती है, तो कवर करने में से कोई दिक्कत नहीं। पूजा शाह इन सबको ट्राई करके चलेगा, अभी के लिए वोगले को कवर कर लेते हैं। एक कॉलिन की बात करें तो ये अवेलेबल तो है, एक कॉलिन अवेलेबल है ना, अनिका कॉलिन जो कि अवेलेबल है। मैं प्रेफर करूंगा आप एनिका कॉलिंस अच्छा ऑप्शन, पी शे का ये भी अच्छी प्लेटी है, लेकिन फॉर्म इसका खराब चल रहा है, इसलिए मैं तनाया के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि तनाया अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो तनाया के साथ जाने में से कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो फॉर्म में है और अभी रिसेंटली तो खेल के आ रही है, पिक करके चलो पी शे का अच्छी यही है तनाया। उसके अलावा आई वेगले टीम से अवेलेबल है, डेफिनेटली खेलेगी। एच जिमी जैसे कैप्टन करने में कोई दिक्कत नहीं है, एच सोमस थोड़ा सा फॉर्म खराब हो गया था लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रही, कवर कर। ड्यूटू सिंह मिडल बल्लेबाजी और बॉलिंग भी करी। जी कोटली की बात करें, पहली बात तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त डाली, मैंने काफी अंडर 19 में 2022 के बाद बोल रहा हूँ, काफी जन को पिक किया था, वहाँ पे कैप्टनसी कर रही थी, काफी अच्छी प्लेयर टीम से गीतिका कोटाली, अगर खेलेगी तो पिक करके चलना, काफी जबरदस्त टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी भी करती है और बॉलिंग तो पूछो ही मत, मतलब पावर प्ले बॉलिंग करती है। अगर इनका नाम गीतिका का नाम देखे तो मेरे लाइन से भी कहीं पे भी इनका नाम नहीं लिखा गया है, देख लो मैं लाइन के अकॉर्डिंग टीम क्रिएट करता हूँ। अगर खेलेगी फाइनल प्लेइंग 11 में तो डेफिनेटली पिक कर, बट गीतिका का नाम है ही नहीं, तो गीतिका को मैं कवर नहीं करता हूँ, लेकिन फाइटिंग अगर खेलेगी तो डेफिनेटली कवर कर चलेगा, जैसे का वगैरह अवेलेबल है, जो कि बट उतना प्रेफर नहीं करूंगा अभी गीतिका के साथ जा सकता हूँ। अगर खेलेगी तो, अगर खेलेगी तो गीतिका जो से पिक करके चलेगा। ये चार आई वेगले अवेलेबल है ना, अवेलेबल ईशानी वेगले है ना, अवेलेबल ईशानी वेगले तो अवेलेबल है, बट गीतिका खेलेगी तो जो से कवर करें, पहले बोल अंडर 19 मैंने काफी ज्यादा कवर किया हुआ, फिर कैप्टनस भी की थी। उसके अलावा विकी आर काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रही पहली बात तो, और 10 में बॉलिंग करे, काफी इंपॉर्टेंट विकेट टीम, क्वालिटी स्पिनर है और विकेट भी स्पिनर्स के लिए काफी सपोर्ट कर रहे हैं। दुबई का विकेट है जहाँ पे विकेट बहुत ज्यादा, मतलब बॉल बहुत ज्यादा टर्न होता है, ध्यान रख रहा, ये मत देखो यहाँ पे पेस दिखा रहे बैटिंग में, इतना कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरे तक एक्सपीरियंस लोगे तो आपको पता होगा काफी ज्यादा इस विकेट पे टर्न होता है यार, और रन बनना नहीं बनते जितना ये दिखा रहे बैटिंग फ्रेंडली, इतना कुछ नहीं बनता भाई, 200 एवरेज स्कोर दिखा रहे ना, इतना कुछ नहीं बनेगा। फॉलोअर्स के लिए जाना, क्योंकि दोनों टीम में इतना खास नहीं है, हालांकि दोनों अच्छी टीम है लेकिन फिर भी उतनी नहीं है कि 200 रन मार देगी। हाँ दुबई का विकेट है वो भी, हालांकि वनडे मैच है भाई। उसके अलावा JR शैवी लेवल है, उसके अलावा देखोगे इन्हीं के नाम ने बोला था कुछ था, आदित्य चौधरीशर्मा, क्योंकि अवेलेबल है टीम 10 से कवर करके चल सकते हो, कोई खराब प्लेयर नहीं है। विवेक की काफी अच्छी ऑप्शन है, टीम 10 से कवर करके चल सकते हैं, मैं कवर करना चाहूंगा। उसके लिए आदित्य को कवर के चलते, काफी जबरदस्त प्लेयर है और काफी जबरदस्त नाम भी है, तो मेरी ओवरऑल टीम बन गई है स्मॉल के लिए। मैं उन्हीं प्लेयर्स को कवर किया हूँ जो कि आपको स्कोर करके देंगे, वनडे मैच के हिसाब से मैं टीम क्रिएट किया, T20 नहीं कि टॉप ऑर्डर उठा लिया जल्दी विकेट गिर गया, नहीं वनडे मैच के हिसाब से मैं टीम क्रिएट किया हूँ, सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने कवर किया हूँ जो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। तो मेरी टीम तो ओवरऑल मुझे काफी सही लग रही है, मुझे देखो कुछ चेंजेस करना चाहिए, काफी परफेक्ट टीम है, मतलब स्मॉल टीम जैसे होनी चाहिए ना। एक जी मैंने DP क्यों घटा दिया समझ नहीं आ रहा, ऋतु सिंह भी जबरदस्त फॉर्म प्लेयर है, लेकिन रितु सिंह ज्यादा अच्छी है भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, रितु सिंह मतलब कि अच्छी बल्लेबाजी भी करती है। स्मॉली के हिसाब से टीम क्रिएट किया हूँ, टॉप ऑर्डर मैंने पिक नहीं किया हूँ, मतलब कि T20 नहीं है कि टॉप ऑर्डर पिक कर लो,
टॉप ऑर्डर पिक किए, लेकिन उतना नहीं कि हाँ टीम डैमेज ही कर दे। कैप्टन सिर्फ एजी में सच ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि पहले तो फॉर्म इनका जबरदस्त चला, रिसेंटली मैंने कवर किया था भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, तो हम यूएसए है तो डेफिनेटली अच्छी स्कोर करेगी और बॉलिंग भी पूरी ओवर करेगी 10 ओवर। एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आई बी के साथ जा सकते हो सेफर साइड के लिए। एक पर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे गीतिका खेलती है तो डेफिनेटली गीतिका कोडाली को आप सीवीसी करने में कोई कंजूसी मत करना, इससे सेफ ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एसजी में भी इसके सामने कुछ नहीं है। कैप्टन फिलहाल एसजी में के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन आई बी के साथ जा सकते हो सेफर साइड के लिए, लेकिन सिलेक्शन वैसे ही इतना मैं कुछ प्रेफर नहीं करूँगा। रितु सिंह काफी जबरदस्त क्वालिटी स्पिनर है भाई, बैटिंग भी अच्छी करती है, लेकिन मैं सेफर साइड के लिए जा रहा हूँ। बट आफ्टर टॉस डेफिनेटली मैं चेंजेस कर सकता हूँ। स्मॉल लीग के हिसाब से और वनडे मैच के हिसाब से काफ़ी टीम परफेक्ट है, पर्सनल बोल रहा हूँ। टीम में मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है खराब प्लेयर, काफ़ी अच्छी टीम है। अगर गीतिका खेलेगा तो और मजा आ जाएगा। सेम टीम बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो सेम टीम के साथ। देखो मैं पर्सनल पर्सनल बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, ये मेरा पर्सनल आईडी नहीं है, वो वाला आईडी नहीं, दूसरा फोन है। सेम टीम बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो। स्मॉल लीग की टीम है जैसे आप यूज़ कर सकते हो हेड टू हेड से लेकर 100 मेंबर्स तक, ठीक ना। और अपनी जो खुद की फैंटेसी है पे कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा, तो एक्साइटेड रहना, वो भी मतलब कि कुछ ही दिन में। देखो मई में स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए, जैसे मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देंगे आप लॉन्च। बाकी रैली खेलो, आदित्य चौदह माह को कर लेना कैप्टन, और साथ ही साथ विकियारा को कर लेना, और थोड़ा सा अगर रिस्क और ले सकते हो तो तनया अच्छी फॉर्म में रहती है, T20 में 44 रन मार रही थी, तो यहाँ पे क्यों नहीं मारेगी भाई। उसके अलावा अभी टीम से भी एक अच्छी प्लेयर है, विकेट कीपिंग कैप्टनसी और ओपनिंग करेगी, तो भी एक अच्छी विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर पिक करना तो पिक कर लेना। बाकी स्मॉल परफेक्ट टीम है वनडे मैच के हिसाब से। सेम टीम कॉन्टेस्ट तक बुक कर सकते हो, सेम टीम से इन्वेस्टमेंट कर लो सेम टीम के साथ। अगर गीतिका खेलेगी तो टेलीग्राम अपडेट करूंगा, और टेंशन नहीं लेना बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर करूँ, तो ज्वाइन कर लेना कमेंट बॉक्स लिंक भी है।